जंगल जमीन है, मेरा जगह है, मेरा जमीन में किसी से क्यों पूछ के सर? किसको अनुमति दिया गया वरना गुप्ता को कि मेरा जमीन पे आके अधिकार लगाएगा? ये सवाल आप बन्ना गुप्ता से करिए, जाके बात करिए, नहीं करेंगे आप बन्ना गुप्ता से सवाल करिए, आप उनसे सवाल किए, सब खोलने बोले, नहीं करेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बन्ना गुप्ता का मनमानी नहीं चलेगा। झारखंड के सभी साथियों के जोहार दोस्तों। दोस्तों झारखंड में अभी भी एक वीडियो बहुत ही वायरल चल रहा है, इचागढ़ के नील बांध को लेकर, जो कि स्वर्गीय गणेश चंद्र महतो की पुत्री अनिता महतो ने आवाज उठाया। पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जोहार सबाय के सब दादा दीदी के खतियानी जोहार। आज हम नील बांध असली हमार जमीन है, हमार खतियानी जमीन है, कोनो अंदर वार्ता होलो नहीं, ओजन एखन हम अनशने बसबो, हमार ठीक लिखित मांगछन ओरा किछु लिखित दिछन नहीं, ओजने सब झारखंडी दादा दीदी रखे हम बोलछी आज हमका मदद करो, कल तुम्हारे साथो घटते पारे, ओजने आज नील बांध उलियान स्थित गए आसो, तुमरा सबाय आसो, एटा अनसब खावा दुआ सबार व्यवस्था होछे। ठीक दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अनिता महतो जो है उन्होंने जेबी केसेस के सभी साथियों को अपना साथ देने के लिए कहा, और जेबी केसेस के जितने भी साथी हैं सभी लोगों ने उनका साथ दे भी रहे, तो वहां के जो लोकल नेता है, विधायक है, सांसद है, जो भी हो, उनका साथ नहीं दे रहा है, जबकि तालाब का मालकिन वो खुद है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे पास एक झारखंडी जो आप कह सकते हैं अनुभवी आदमी बैठे हुए हैं, आप इनका बात लेते हैं कि वहां जो नील बांध पे बन्ना गुप्ता द्वारा कब्जा किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं चाचा, क्या ये सही हो रहा है? ये तो सरासर गलत हो रहा है जी। ये जो नील बांध है ना, जो रजिस्ट्रा है, वो पहले भी हमारे बिहार सरकार के समय भी होता था, इस तरह का कब्जा किया जाता, कब्जा किया जाता था, और अभी भी कब्जा किया रहा है, तो हम लोग को झारखंड राज्य अलग होने से क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड राज्य अलग होने का फायदा क्या मिला, क्या मिला, यही पूरा झारखंडी जानना चाहता है। अगर एक बहन को वहां सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और लोगों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, पूरा झारखंड के लोग जा रहे हैं, जबकि वहां के लोकल लोग, लोकल नेता, लोकल विधायक साथ नहीं दे रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, वहां दो रूम भी बना दिया छोटा छोटा, ताकि लोग वहां जुआ खेल सके, अड्डाबाजी कर सके, गेट भी बंद कर दिया जाता है, लोकल को घुसने नहीं दिया जाता, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, वहां चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया गया है, बिल्डिंग बनाया गया मतलब शहरी क्षेत्र बना रहा है, और उसके बाद लोकल को वहां घुसने नहीं दिया जाएगा, पूजा करने नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं करने दिया जाएगा। और 2007 में हाईकोर्ट द्वारा डिग्री भी मिल चुका है अनिता देवी को, तो अनिता महतो का साथ सब कहना है कि जब तालाब हमारा, जमीन हमारा, मेरे पे क्यों जुल्म हो रहा? तो दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं जेबी केसेस के जितने भी साथी है सब आक्रोशित दिख रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या है झारखंडी को मामला गर्म करना चाहिए कि इसी तरह ठंडा छोड़ देना चाहिए नेताओं के ऊपर? ना ना, ये तो सरासर गलत है। वो बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री जी जो है जी। वो माने पहले जो बिहार के समय जो करते करता था जी, अब वो भी कर रहा है, इसीलिए ये तो वो तो बाहर का ही है, बिहार का ही है, वो तो साफ साफ कहता है हम बाहरी लोगों का ज्यादा समर्थन करेंगे, झारखंडी मुद्दा में बात तक नहीं करता है, इसीलिए वो कब्जा कर रहा है, और वो कब्जा करके फिर बिहारी के लिए, और यही हो रहा है। जितना भी अपार्टमेंट बन रहा है, जितना भी कॉलोनी बन रहा है, किसी भी झारखंडी का खरीदने का औकात नहीं है और वहां रहने का औकात नहीं है, सब बाहरी लोगों द्वारा खरीदा जा रहा है और बाहरी को बसाया जा रहा है, और झारखंड का हक अधिकार का बात कोई नहीं कर रहा, कहता है लोकल का मुद्दा, लोकल का मुद्दा, एक भी नेता हो ऐसा जो लोकल का मुद्दा उठाता है। भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट राजनीति से पूरा झारखंड परेशान है। जेबी केसेस के सभी साथियों से कहना चाहेंगे दोस्तों, जब तक उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है, आप लोग सभी डटे रहिए, और जितने भी आसपास के लोग हैं सभी समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। आज बहन अनिता महतो के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है, सभी को साथ देना पड़ेगा, सभी को लड़ना पड़ेगा हक अधिकार के लिए, चाहे पूरे झारखंड से आना पड़े या कहीं से भी आना पड़े। लोग धीरे धीरे पूरे झारखंड में सभी जाति के लोगों को एकजुटता दिखाना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पुलिस नेताओं का दलाल बन चुका है, पुलिस हमेशा चाहा है कि आपस में लड़ाई लड़े और वो पावरफुल आदमी का साथ देता है, चाहे किसी भी तरह का चोरी हो, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, या किसी भी सरकारी खजाना का लूट हो, प्रशासन हमेशा ताकतवर इंसान का साथ देता है। आप प्रशासन और सरकारी अधिकारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वे लोग गरीब के अधिकार के लिए शपथ लेते हैं, उसके बाद नेताओं का तलवा चाटते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रशासन हमेशा उसी का साथ देता है जिसके पास में पैसा हो। बिल्कुल सही बात है, और उनको किसी भी प्रकार के
दंगा में फंसा करके उसको अरेस्ट कर लेता है रैयत। ये बात चाचा बिल्कुल सही बात बोले हैं। जो गरीब दुखी झारखंडी के लोग है, गांव देहात के लोग है, वो अगर ज्यादा उछलता है, ज्यादा कुछ बोलता है, अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उनको गलत गलत इल्जाम में फंसा के उनको जेल भेज दिया जाता है। आज आप जेल में खंगारिए, सबसे ज्यादा आपको गरीब और गांव देहात का आपको लोकल लोग मिलेंगे। उनको कोई ना कोई बड़ा मामला, जमीन मामला हो, उसी का जमीन का मामला हो, उसी को जेल भेज दिया जाता है। और जो अत्याचार करता है वो बाहर घूमता है सरेआम। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ के जो युवा वर्ग के लोग है, बेटा बेटी जो भी हो, वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं खटने के लिए, और यहाँ आके राज करते हैं कोई और। अफसरशाही और तानाशाही यहाँ नहीं चलेगा। और मंत्रियों का जो दलाली करता है, उन लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे, चाहे डीसी एसपी अधिकारी कोई भी हो, थाना प्रभारी जो भी हो, आप लोग जो शपथ लेते हैं उसका पालन कीजिए। दलाली तलवा चढ़ने के लिए कोई शपथ नहीं दिलाया गया। आप लोग जाति धर्म ऊंचा नीचा पैसा वाला गरीब इस तरह देख के नहीं आप लोग फैसला कर सकते हैं और ना ही साथ दे सकते हैं। कोई पैसा छीट देता है तो आप लोग गाड़ी लेके तुरंत आ जाते हैं, गरीब का अत्याचार करने लगते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए और लड़ाई एकदम लड़ना चाहिए। और सभी लोगों से कहना चाहेंगे, दोस्तों आप लोग मिलजुल के साथ दीजिए और लड़ाई कमजोर नहीं होना चाहिए, आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। जेबी केसेस का जो भी 2 साल से आंदोलन हो रहा है, आज देखिए बहन अनिता महतो ने आज आवाज लगाया, जेबी केसेस का कितना साथी पहुंचे उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो हम पहली बात कहना चाहेंगे कि वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं, अलग अलग अगर जाति धर्म में बटे हुए हैं और साथ नहीं दे रहे, तो आप लोग एकजुट होकर साथ दीजिए, इस लड़ाई को जीतने में मदद कीजिए। उसी के जमीन में उसी को मजदूरी करना पड़ रहा है और भगा दिया जा रहा है, कहाँ तक उचित है, इस बात को समझना पड़ेगा। और यहाँ तक कि आपका सरकारी जो हक अधिकार रहता है, खजाना रहता है, चाहे अम्बेडकर आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास हो, या राशन का बात हो, कृषि लोन का बात हो, सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसको आप क्या कुछ नजर से देखते हैं? आज तक जो भी कुछ सरकारी लोन मिला है वो सही आदमी तक नहीं मिला है। आप देख लीजिए, सबके घर में बाथरूम बना है योजना का, लेकिन कोई भी बाथरूम चालू नहीं है, सबका सब फ्लॉप जी। और कुछ, और इंदिरा आवास देख लीजिए आप, इंदिरा आवास तो खास करके एसटी एससी को, आदिवासी मूल वासी बहुत ऐसे लोग हैं जिसको नहीं मिलता है, पैसा वाला मिल जाता है। हाँ, नहीं मिलता है। और एक देख लीजिए, कोई चबूतरा एक बड़ा रहा है तुरंत मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल चाचा का कहने का मतलब है, सरकारी योजना का लाभ भी उन लोगों द्वारा उठाया जा रहा है जिसके पास पैसा है। अगर कोई पैसा देता है तो उसको पहले लाभ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुखिया सुखिया जिला परिषद विधायक सांसद जो भी हो, वो लोग कहीं ना कहीं कमाना चाहता है, योजना का लाभ से तो कमाते हैं, प्लस जिसको अलॉट करते हैं उनके नाम से भी कमाते हैं। और खास करके बन्ना गुप्ता को चेतावनी देना चाहेंगे कि मंत्री हो, मंत्री जैसा रहो, स्वास्थ्य मंत्री साला हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, लोग इलाज कराते कराते मर जाते हैं, बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए, पैसा कौड़ी नहीं रहने से गाँव से बाहर नहीं जा पाता है, स्वास्थ्य कितना सारा स्वास्थ्य केंद्र भी बंद पड़ा हुआ है। आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य के बारे में तो हमारे बलियापुर देख लीजिए जी, दवाई लिख ले जाइए तो वो लिख देता है पर्ची, मेरे पास दवाई उपलब्ध नहीं है जी। आप छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र जाइए, जो बड़ा बड़ा जो पीएमसीएच था, अभी एसएनएमसीएच बन चुका है, आप लोग कहीं भी जाइए आपको दवाई नहीं मिलेगा, जबकि पीछे में फिर प्राइवेट मेडिकल मिलेगा जहाँ की आपको हाई रेट में दवाई मिलेगा। तो मंत्री जी आप अपना काम सही से कीजिए, जितने भी दलाल दोगला टाइप का नेता है, लोकल नेता अगर बन गया, दलाली कर रहे हो, तलवा चढ़ रहे हो, तो आप लोग सुधर जाइए और सही लोगों को हक अधिकार दिलाने में मदद कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पुरजोर आंदोलन होगा, विरोध होगा, लाठी का जवाब लाठी से मिलेगा और डंडा का बाकी जो भी हथियार आप लाइएगा उसका जवाब उसी से मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 डंडा मार दीजिएगा, जेल का धमकी देके किसी को भी भगा दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, जितने लोग आंदोलन कर रहे सभी साथियों को कहना चाहेंगे, अपना सांस्कृतिक हथियार साथ रखिएगा, जैसा जवाब उधर से दिया जाएगा वैसा जवाब दीजिए। लेकिन डिग्री मिल जाने के बाद भी, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी अगर इतना लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, ये दुख की बात है। झारखंड सरकार पे लालच है कि इस तरह का सरकार झूठ मूठ का बोलता है, हम आदिवासी मूलवासी का सरकार है, आदिवासी मूलवासी का सरकार हेमंत सोरेन बोलता है जी। मैम क्या कुछ कहना चाहते हैं? आदिवासी मूलवासी उनसे संतुष्ट है? आदिवासी मूलवासी का जो सरकार बोल रहा है वो आदिवासी और मूलवासी संतुष्ट नहीं है। ये सरकार भक्षक हो गया, मैंने उसको भक्षण करता है, आदिवासी का जमीन हड़पता है जी। जमीन से बात है, सीएनटी एक्ट अगैरह वगैरह कुछ भी हो दान दे दिया जाता है, अगैरह वगैरह करके किसी तरह जमीन हड़प लिया जा रहा है। आज इतना प्लॉटिंग हो रहा है, किसको बेचा जाएगा जमीन, किसके पास पैसा है?
अगर 90% आदमी गांव देहात में ज्यादा है, गरीब तबके के लोग है, तो वो लोग तो जमीन नहीं खरीद पाएंगे, प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्लैट कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इस बात को समझना होगा दोस्तों, आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए, पूरे झारखंड के लोग एकजुट होइए, सभी जाति वर्ग के लोगों को कहना चाहेंगे और सभी लोगों को कहना चाहेंगे आपस में एकजुटता दिखाइए, निडरता दिखाइए, सबको लड़ना पड़ेगा। आज बहन अनिता लड़ रही है इसीलिए सब उसका साथ दे रहा है, अगर वो घर में सोई रहती तो कोई उसका साथ नहीं देता। और सभी लोगों को कहना चाहेंगे जब सच्चाई साथ देता है तो उसको बहुत सारा तकलीफ होता है, लेकिन सच्चाई कभी पराजित नहीं होता है, उसका जीत निश्चित होता है। देर लगेगा अंधेर नहीं है, हिम्मत मत हारिए दोस्तों। दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़े तो वो भी देना पड़ेगा, जेल जाने से डरना नहीं होगा। अपना जमीन में लड़ाई लड़ने से अगर जेल भेजा जाएगा तो 50 बार जेल जाएंगे, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को सबक सिखाएंगे, चाहे जैसा भी रास्ता अपनाना पड़े। तो सभी लोगों को कहना चाहेंगे दोस्तों, बहन अनिता का साथ दीजिए और उनको उनका हक और अधिकार दिलाइए। और प्रशासन के लोगों को खास करके चेतावनी देना चाहेंगे कि इस तरह का जो तुम दलाली कर रहे हो, तलवा चढ़ रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है, सुधर जाओ, नहीं तो जितना पावर है, जितना स्टार है, सारा हेगड़ी निकाल दिया जाएगा तुम्हारा। पावर मत दिखाओ, जहां ताकत दिखाना चाहिए वहां ताकत दिखाना चाहिए। और हाँ, उन बाहरी तत्वों को कहना चाहेंगे जो बार बार मीडिया को बुला के बकबक करता है, प्रदीप तिवारी या जो भी हो, 1932 विरोधी मंच या जो भी, ये गलत है कि सही है, इस मुद्दे पे वीडियो बना के बोलिए, लोगों को जागरूक कीजिए, गलत है कि सही है, फिर तुम्हारा बास होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर सही है तो सही बोलो, गलत है तो गलत बोलो। अधिकार के लिए जब लड़ाई खाता है, लाठी खाता है, तो कोई कुछ नहीं बोलता। आप देख चुके हैं कि जेबीएसएस के द्वारा 2 साल से आंदोलन किया जा रहा है, बहुत सारा लाठी खाया जा रहा है, सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन ना सपोर्ट कर रहा, ना लोकल नेता सपोर्ट कर रहा है, इसको लेके क्या 24 में बदलाव होगा? केस जो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है जी, एकदम सही कर रहा है। 2024 में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव होगा, अब बदलाव होगा ही। बिल्कुल दोस्तों, पुराना नेताओं से सब बोर हो चुके हैं, बोर तो छोड़िए, किसी को हक अधिकार नहीं मिलता, दलाली करना पड़ता है, तलवा चाटना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है, पार्टी के लोग ही पार्टी से खुश नहीं है, इसीलिए बदलाव जरूरी है। अगर कोई कहता है चिल्ला चिल्ला के कि हम बदलाव करेंगे और बदलाव नहीं करता है, तो उन तमाम लोगों को दूर रखना है और नए लोगों को साथ देना है जो लड़ने के लिए, जज्बात के लिए। आज देखिए झारखंड का कोना कोना से उठ के अनिता महतो का साथ दे रहे हैं, तो बहन अनिता को भी कहना चाहेंगे आप हिम्मत मत हारिए, पूरा झारखंड आपके साथ है, आपको आपका हक और अधिकार मिलेगा, किसी का माई का बाप का औकात नहीं है जो वहां रोक दे। तो सभी लोगों से कहना चाहेंगे दोस्तों, बार बार कहना चाहेंगे कि आपस में एकजुटता बनाए रखे, लड़िए मत छोटे छोटे बातों को लेकर, लड़ना है तो बाहरी तत्व से लड़ो, अपना हक अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ो, जो तुमको नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं के खिलाफ लड़ो, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक एक झारखंडियों के हाथों तक पहुंचाइए दोस्तों, हमेशा बिरसा न्यूज झारखंड हमेशा साथ रहेगा, हमेशा आवाज उठाएगा। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद दोस्तों।